आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में नगर निगम के परिसर में आज कांग्रेसियों ने दाखिल खारिज पर लगाए गए 2% शुल्क को समाप्त करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि जब पूरे उत्तराखंड में ये शुल्क नहीं है तो काशीपुर में ये शुल्क लगाकर सौतेला व्यवहार क्यों। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री कौशिक जी से भी इस विषय में वार्ता की गई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि महापौर उषा चौधरी जी को एक आवश्यक मीटिंग में बुलाकर इस शुल्क को समाप्त करें, अन्यथा वे सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। वहीं पीसीसी सदस्य श्रीमती मुक्ता सिंह ने भी कहा कि जब पूरे उत्तराखंड में ये शुल्क नहीं है तो काशीपुर में ही 2% शुल्क लगाकर यहाँ की जनता पर आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है, जो सरासर गलत है। वहीं महापौर उषा चौधरी ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेसी कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर बाहर निकल आते हैं। दाखिल खारिज के शुल्क की जहाँ तक बात है तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना उचित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो मांग है लोग कर रहे हैं वे कॉलोनाइजर है, ये शुल्क विकास के लिए लगाया गया है। आगे जो भी माननीय न्याय का आदेश होगा वह सर्वमान्य होगा। हम लोग काशीपुर से कांग्रेस परिवार के सभी लोग इस बात के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि दाखिल खारिज शुल्क जो 2% केवल और केवल काशीपुर में लिया जाता है, जबकि पूरे उत्तराखंड में ऐसा कोई शुल्क की नहीं है, वो तो वो जो 2% शुल्क लिया जा रहा है उसे समाप्त करना है। और एक आज तो मुख्य रूप से यही काम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई काम नहीं है। सड़कें हैं, नालियां हैं, नहरें हैं, सारा बुरा हाल हुआ पड़ा है काशीपुर का। लेकिन ये कि आज जो मुख्य रूप से है वो यही है कि जो दाखिल खारिज शुल्क 2% की का यहाँ पर प्रोविजन है वो समाप्त होना चाहिए। और जब पूरे उत्तराखंड में ये 2% शुल्क नहीं लिया जाता तो केवल काशीपुर में क्यों लिया जाता है। और ऐसे समय में जब COVID-19 इतनी बुरी तरह फैला हुआ था और व्यापारी परेशान है, मंदी का समय है, आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, उसके लिए 2% शुल्क और दिया जाए तो ये बिल्कुल तुरंत प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। केवल अगर बढ़ाना है तो पूरे उत्तराखंड में बढ़ाए ना, काशीपुरी को क्यों लिया जा रहा है। काशीपुरी इसका मतलब तो ये है कि काशीपुर से राजस्व बढ़ाया जा रहा है और दूसरे जो राज्यों का दूसरा हिस्सा है उससे कोई 2% शुल्क नहीं लिया जा रहा। सफलता में ये बताना चाहूँगी, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तक कांग्रेस के लोग प्रखर हो जाते हैं। उनको ये अच्छी तरह से जानकारी है कि कोई केस यदि कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता उसमें उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। आज उन्होंने आए अपना जो है एक ज्ञापन उन्होंने दिया कि ये 2% जो है उसको समाप्त किया जाए, हम काफ़ी समय से उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपने उन्होंने अपनी मांग रखी और हमने उनकी मांग को जो है रख लिया। पूर्व में भी हमने उन्होंने मदन कौशिक जी के सामने ये बात रखी थी, तो उसका वो अभी जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि अभी उसका जवाब नहीं आया है, तो मैं भी जो उन्होंने मुझे जो लिख कर दिया है उसको मैं मदन कौशिक जी तक जरूर पहुँचाऊँगी। लेकिन मैं आप यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो 2% जो शुल्क है ये विकास शुल्क है। मैंने ये भी देखा कि जहाँ तक जो इस प्रश्न को उठा रहे हैं ज़्यादातर लोग कॉलोनाइजर हैं, वो कॉलोनाइजर हैं जो लोगों को मकान की दिलासा दे देते हैं। मकान तो आपको बना के देंगे, सड़क भी बना के देंगे, पोल भी लगा के देंगे, लाइट भी लगा के देंगे, ज़मीनों को बेच देते हैं और उसके बाद जो है सारी जिम्मेदारी नगर निगम की ही आ जाती है। और जो विकास शुल्क 2% जो लिया जाता है वो नगर निगम उसी विकास शुल्क से ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहाँ की कॉलोनाइजर छोड़ देता है उनको, उससे विकास शुल्क को लगाकर उसको पूर्ण कर देता है। अब ये विषय आया, जब तक कोर्ट में ये विचाराधीन विषय है तो तब तक मैं इस विषय में कोई भी बात किसी भी तरह की नहीं कहूँगी। और क्योंकि उन्हें तो राजनीति करनी है कांग्रेस वालों को, वो राजनीति करें, वो उनका अपना अधिकार है राजनीति। देखिए, नगर निगम की कोई ऐसी राजस्व बटोरने के लिए परेशान करने का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नगर निगम है ये स्वायत्त शासी संस्था है। जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में अपने नियम बनते हैं, अपने कानून बनते हैं, और किस तरीके से, क्या मैं ये जानना चाहूँगी यदि सरकार जो है GST ना ले, वैट ना ले, तो क्या ये इतना अभी 20 लाख करोड़ रुपया जो कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए जो देश में दिया गया, तो क्या वो इस तरह दे पाते? शायद कभी नहीं दे पाते। तो ये तो एक नियम है कि यदि कुछ कार्य के लिए लेते हैं तो उसको जो है कार्य भी कराया जाता है, उसको देते भी।